तो भाई ये मौसम है और ये सामने मेट्रो स्टेशन है इधर, ये अगर आप अक्षरधाम आते हो मेट्रो से उतर के सीधा आप बाहर से यहाँ से। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पंजाबी प्रथम ब्लॉग, चला है वो सब अच्छे हो मजे में होंगे। तो अभी अपने अक्षरधाम मंदिर में, तो अभी भीड़ काफ़ी है यहाँ पे, तो देख रहे हो पीछे का मेरा क्राउड और पीछे मेरे ये रहा अक्षरधाम मंदिर। तो यार सीन ऐसा है, ब्लॉग मैं ज़्यादा बड़ा कर नहीं पाऊँगा यहाँ सबके लिए, क्योंकि सीन ये है कि यहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं है, फ़ोन जमा हो जाता है और जितना बैग वूग है सब जमा हो जाता है, तो इस वजह से मैं वीडियो शूट तो कर ही नहीं पाऊँगा यहाँ पे। तो अभी बाहर का सीन देख सकते हो, अभी मैं वॉशरूम है, पीछे वॉशरूम से होके आया हूँ बाहर, और अभी अंदर जाएंगे अक्षरधाम के। अगर कुछ हो सका शूट कर सका तो ज़रूर दिखाऊंगा, बाकी आज संडे के दिन जो बच्चोदी हो पाएगी वो तो करते रहेंगे अपन। तो भाई ये मौसम है और ये सामने मेट्रो स्टेशन है इधर, ये अगर आप अक्षरधाम आते हो मेट्रो से उतर के सीधा आप बाहर से यहाँ से अंदर आ सकते हो, और ये सारी पार्किंग है यहाँ की, ठीक है। तो ये देख रहे हो कितना क्राउड है यहाँ पे, काफ़ी भीड़ है और संडे का दिन है तो फुल लोग मतलब फोटो सेशन में लगे पड़े हैं। और ये सारा आपका वॉशरूम है, मेल टॉयलेट ड्रिंकिंग वाटर, और वो रहा सामने अक्षरधाम। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी टाइम लगता है यहाँ पे घूमने में, पूरी चीज़ एक्सप्लोर करने में। और रात को यहाँ शो भी होता है 7 से 8 बजे का पूरा, तो वो अगर मैं देख पाऊँगा तो देखूँगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे घूम घाम के हम चले जाएंगे यहाँ थोड़ी देर में। तो ये नज़ारा है और मौसम तो भाई एक नंबर है, काफ़ी है यहाँ पे, आप देख रहे हो बहुत क्राउड आया हुआ संडे की वजह से। तो अभी एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पे फ़ोन जमा हो जाएगा हमारे, हम लोग नहीं शूट कर पाएंगे, क्यों भाई क्यों ऐसा क्यों। और यहाँ पे हमारा फ़ोन जमा हो जाएगा, उसके बाद अपन शाम को जब निकलेंगे बाहर तभी ही वीट सिर्फ एंड है, यहाँ पे फ़ोन आपका जमा हो जाएगा। भाई अभी हम निकल चुके हैं अक्षरधाम से, और अभी भीड़ देख रहे हो कितनी है पीछे से, पूरी पब्लिक आ रही है। तो अभी हम घर की ओर जा रहे हैं, अगर कुछ भूख लग रही है तो कुछ खाते हैं, फूल खाते हैं और फिर मिलते हैं घर पे। अभी संडे का उस दिन अंदर काफ़ी चीज़ें थी देखने लायक थी, जैसे हिंदू धर्म है अपना, उसकी हर एक चीज़ थी वहाँ पे, जैसे पैरों के निशान और जितनी मूर्तियाँ थी वहाँ पे थी काफ़ी सारी। और यहाँ पे वाटर शो भी होता है जो 7 से 8 बजे होता है, वो हमने अटेंड नहीं किया। और बाकी और चीज़ें थी जैसे मूर्तियाँ जितनी भी थी, स्क्रिप्चर्स थे काफ़ी पुराने टाइप का बना हुआ था, तो वो काफ़ी अच्छा बना हुआ था, देखने वाली चीज़ है। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप ज़रूर आइए अक्षरधाम पर, और आप देख सकते हो काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है और एंट्री बिल्कुल फ्री है, किसी को टिकट नहीं है। बाकी जो अंदर जो है वाटर शो की टिकट है, और बाकी यहाँ पे कैंटीन है, खाने पीने का सिस्टम है। बट एक चीज़ जो सबसे मेरे को सही नहीं लगी कि हम शूट नहीं कर सकते अंदर जाके कुछ भी, जैसे फ़ोन अलाउ नहीं है, बैग अलाउ नहीं है, यहाँ तक कि बेल्ट भी उतरवाते हैं, पर्स भी, मतलब बहुत चीज़ें, सब कुछ आपकी चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट है, हाई लेवल की है, ये चीज़ ध्यान रखना अगर आप आते हैं। तो ये था गाइस जो मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी दिखाते हैं आपको और चीज़।